वेल माई डी स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेवर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज डेफीनिशन ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन टू रेड विद सेक्शन फोर्टी ऑफ द आई आर ए टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व आई आर ए का मानी है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व तो रेफरेंस है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड टी जानेब आर्बिट्रेटर की ज़रूरत कब पड़ती है नेचुरली जब वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो फिर आर्बिट्रेटर का रोल आता है तो माई डर स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी थोड़ा सा समझ लेना इस जमन में हमारे लिए बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से मुराद है डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन इम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन इम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन तो ये डिस्प्यूट किन के दरमियान में हो सकता है डिस्प्यूट जो है वो इम्प्लॉयर्स और इम्प्लॉयर्स के दरमियान है इम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के दरमियान हो सकता है और वर्कमैन और वर्कमैन के दरमियान हो सकता है और ये डिस्प्यूट जो है ये कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ एनी वर्कमैन हो सकता है तो बड़ी आला डेफिनेशन दी है तो इस जीवन में ज़रूरी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को समझ लें तो मैंने आपको बता दिया वो किन के दरमियान है अब देखें आर्बिट्रेटर आता है जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेटर आएगा तो आर्बिट्रेटर कौन है आर्बिट्रेटर ये डेफिनेशन है आर्बिट्रेटर की मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच अंडर सेक्शन फोर्टी तो सेक्शन 40 जब इंडस्ट्रियल एक्ट 2012 का आप कंसल्ट करेंगे तो वहां पर इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि आर्बिट्रेटर कौन होता है तो आइए सेक्शन फोर्टी को भी डिस्कस कर लें। आर्बिट्रेशन इसकी हेडिंग बनती है आर्बिट्रेशन और इसका जो सेक्शन वन है वो कहता है इफ द कौनसिलशन फेल्स कौनसिलशन क्या होती है द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग के लोग उनको रोका जा रहा है डिस्प्यूटेंट्स को कि आप रुक जाएं अगर वो नहीं रुकते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं डिस्प्यूट में तो फिर आर्बिट्रेशन की तरफ जो है वो प्रोसीडिंग्स ले जाना है तो पहले कॉन्सिलियशन होती है रोक का जाता है आर्गू किया जाता है भाई ये अच्छी बात नहीं है वो अच्छी बात नहीं है अगर नहीं हटते तो फिर आर्बिट्रेटर है तो लिखा जा रहा है इफ द कॉन्सिलिएशन फेल्स द कॉन्सिलिएटर शैल ट्राई टू परसुएट द पार्टी टू एग्री टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेटर यह जो कॉन्सिलिएटर है वो फिर पार्टीज को परसुएट करेगा कि आप मामला जो है वो आर्बिट्रेटर तक ले जाएं। They shall make a joint request in writing for reference of the dispute to an arbitrator agreed upon by them, my dear students. Up section two, you hai section 40 ka. Wo kya hai? Subsection 2, section 40 ka kya hai? The arbitrator to whom a dispute is referred under subsection 1 may be a person born on a panel to be maintained by the commission. और एनी अदर पर्सन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टी तो आर्बिट्रेटर जो होता है वो बदा है जो कि पैनल के ऊपर इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत जो है मौजूद है या वो कोई शख्स जिसको कमिश्नर नॉमिनेट करे या कोई और शख्स जो कि मुतलका है अब सब सेक्शन थ्री जो सेक्शन फोर्टी का है वो आगे बताता है कि आर्बिट्रेटर शैल गिव इज अवार्ड अवार्ड क्या होता है अवार्ड ये है कि डिस्प्यूट है तो उसका जो फैसला है उसको अवार्ड कहते हैं अवार्ड के मुतालिक आगे डिस्कस करते हैं चल के अवार्ड द आर्बिट्रेटर शैल गिव इज अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑन दिच द डिस्प्यूट इज रेफर टू हिम अंडर सबसे वन और सच फर्दर पीरियड एज मे बी एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट तो आर्बिट्रेटर अब अवार्ड देगा डिस्प्यूट है आर्बिट्रेटर आ गया है तो अब अवार्ड देगा अवार्ड क्या होता है ये भी देखने की जरूरत है अवार्ड का मतलब है टू डिक्लेयर टू बी एंटाइटल्ड हां भाई इनका राइट right बनता है इसका मतलब ये हुआ एज और ये कैसे होता है कि राइट right बनता है बाय डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ और एन आर्बिटरेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट दो हजार बारह जो है वो अवार्ड को डिफाइन करता है अवार्ड मीन्स द डिटर्मिनेशन बाय द कमीशन और आर्बिट्रेटर ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट Or any matter relating thereto and includes an interim award, my dear students. now let's move on to discuss subsection four of section 40. After the arbitrator after arbitrator after he arbitrator after he has made an award the arbitrator shall forward a copy thereof yani award ki copy to the parties and to the government for publication in the. ऑफिशियल गैजेट ये देखें कितनी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही हैं ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है आइए इसको देखते हैं इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज़पेपर कहा जाता है इसको लीगल न्यूज़पेपर ऑफ अ कंट्री कहा जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द कंट्री है विच पब्लिशेस द टेक्स्ट ऑफ न्यू लॉज डिग्रीज रेगुलेशंस ट्रीटीज लीगल नोटिस एंड कोर्ट डिसीजन एटसेक्टर माइ डियर स्टूडेंट अब सेक्शन फोर्टी का सब सेक्शन फाइव देखते हैं अवार्ड ऑफ़ दर्बिट्रेटर शेल बी फाइनल एंड नो अपील शेल लाई अगेंस्ट इट सवाल यह है कि अपील क्या होती है अपील को भी डिस्कस कर लेते हैं माइ डियर स्टूडेंट्स इन लॉ एंड अपील इज द प्रोसेस इन विच केसेस आर रिव्यूड बाई अर अथॉरिटी वेयर पार्टीज रिक्वेस्ट अ फॉर्मल चेंज टू एन ऑफिशियल डिसीजन तो ये भी आपको पता चल गया कि अपील किसे कहते हैं आप लेबर पॉलिसी पाकिस्तान पढ़ रहे हैं पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट प्रॉपरली हो जाए लेजिसलेशन हो जाए तो कानून बन जाती है इसलिए आपका इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है स्कोप में लॉज इसके जरूर आते हैं डी ए स्टूडेंट्स दबसेक्शन सिक्स है सेक्शन फोर्टी का दवार्ड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड Not exceeding two years as may be fixed by the arbitrator. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.